यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा 2024 लोकसभा चुनाव 80% बनाम 20% का है। 4 जून को 4 बजे 405 फिर एक बार मोदी सरकार का दिया नारा। राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी का बड़ा बयान, कहा मोदी फिर बने प्रधानमंत्री तो बाबर का बच्चा भी बोलेगा जय श्री राम। अभी लोगों को जय श्री राम बोलने में होती है तकलीफ। मेरठ की रैली में मायावती ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा हिंदुत्व की आड़ में मुस्लिमों पर जुल्म कर रही है बीजेपी सरकार, इसे सत्ता में आने से रोकना होगा। मेरठ की रैली में समाजवादी पार्टी पर भी जमकर बरसी मायावती, कहा एसपी नहीं चाहती एससी एसटी वर्ग को मिले आरक्षण का लाभ, समाजवादी पार्टी को बताया एससी एसटी विरोधी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के उम्मीदवार भूपेश बघेल का बीजेपी पर वार, बोले अब बीजेपी ने 400 पार का नारा देना बंद कर दिया है, इस बार सत्ता में नहीं आएगी बीजेपी। बेंगलुरु दक्षिण में अमित शाह का भव्य रोड शो, पार्टी के उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या के समर्थन में वोट देने की अपील की, शाह के रोड शो में उमड़ी जमकर भीड़। कटिहार में चुनावी सभा के दौरान नीतीश ने लालू प्रसाद यादव पर कसा तंज, बोले कि आरजेडी और कांग्रेस अपने परिवार के लिए कर रही है और हम लोग देश के लिए कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती पर उमर अब्दुल्ला का बार, पीडीपी को बताया बीजेपी की सी टीम, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट देने की अपील की, कहा बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है पीडीपी। अजित पवार गुट में शामिल होने की खबर को समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने खारिज किया, कहा कि ऑफर आते रहते हैं लेकिन मैं पार्टी के प्रति ईमानदार। बिहार के समस्तीपुर में नीतीश के दो मंत्रियों के बेटा बेटी के बीच मुकाबला, मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी और मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी में टक्कर। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के समर्थन में सीएम योगी ने रोड शो किया, फूल बरसाकर वहां के लोगों ने योगी का स्वागत किया, रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। राजस्थान के पाली में कंगना रनौत का रोड शो, बीजेपी प्रत्याशी पीपी चौधरी के समर्थन में वोट देने की अपील की, कहा 400 पार का संकल्प करेंगे पूरा, बीजेपी की होगी ऐतिहासिक जीत। चिराग पासवान के खिलाफ किसने बोले बिगड़े बोल, आइए दिखाएं आपको 9 सेकंड के। आरजेडी नेता उर्मिला ठाकुर ने चिराग पासवान की मां को लेकर दिया विवादित बयान, चिराग पासवान को बताया बिना पूंछ वाला हनुमान, चिराग पर टिप्पणी कर फिर से मचा बवाल। आरजेडी नेता के विवादित बयान पर भड़के चिराग पासवान, बोले कि तेजस्वी अपने बड़बोले नेताओं को संभालें नहीं तो अंजाम होगा खतरनाक, इससे पहले भी सामने आया था विवादित बयान। पूर्णिया की सीट जीतने के लिए तेजस्वी ने झोंकी ताकत, पार्टी प्रत्याशी बीमा भारती के समर्थन में रोड शो किया, विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी भी रहे साथ। एक्टर और बीजेपी की स्टार प्रचारक कंगना रनौत ने राजस्थान में झोंकी ताकत, आज सुबह 10:30 बजे जैसलमेर और दोपहर 12:30 बजे बाड़मेर में करेंगी रोड शो। बंगाल के बीरभूम में ममता बनर्जी का बिना नाम लिए बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी पर वार, बोली कि तुमने अभिषेक को मारने की कोशिश की लेकिन हमें पहले ही पता चला। पश्चिम बंगाल कांग्रेस में बगावत, महासचिव बिनॉय तमांग को पार्टी ने 6 साल के लिए किया सस्पेंड, हाल ही में बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान किया। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र के लिए 2 और सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया, पुणे से अनीस और उस्मानाबाद से सिद्दीकी इब्राहिम को उम्मीदवार बनाया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का किशनगंज दौरा, पार्टी प्रत्याशी अख्तरुल ईमान के समर्थन में दिघल बैंक और पोठिया में करेंगे चुनावी सभा, पार्टी के लिए मांगेंगे वोट। 8 साल की कथावाचिका अनुष्का कर रही है प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्रचार, पीएम मोदी के स्टार प्रचारक है अनुष्का, कथाओं से लेकर बाकी कार्यक्रमों तक में कर रही है पीएम के लिए प्रचार। कानपुर में गठबंधन प्रत्याशी आलोक मिश्रा के नामांकन में हाई वोल्टेज ड्रामा, प्रस्तावक न होने की वजह से गुस्से में चले गए एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी, काफी मनाने पर वापस लौटे तब हो सका नामांकन। अनूप जलोटा ने मोदी योगी को बताया अवतार पुरुष, जबलपुर पहुंचे अनूप जलोटा, बोले दोनों नेताओं को तमाम कठिनाइयों को दूर करने के लिए ही ईश्वर ने भेजा। और अब नजर कोर्ट के फैसले से जुड़ी उन खबरों की जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्ट हुआ ईवीएम वीवीपैट का मामला, सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है वीवीपैट पर फैसला, याचिका में 100% वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग।
1984 सिख दंगों से जुड़ा मामला, सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में राहुल रेवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। एसआईटी ने मामले में सज्जन कुमार के खिलाफ कई धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल। मनीष सिसोदिया को आज राहुल रेवेन्यू कोर्ट में किया जाएगा पेश। राहुल रेवेन्यू कोर्ट में आज होगी सीबीआई मामले में आरोपियों पर आरोप तय करने पर बहस। आबकारी नीति घोटाले में आरोपी है सिसोदिया। धनंजय सिंह की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में जौनपुर की स्पेशल कोर्ट से तलब किए थे रिकॉर्ड। मुंबई मालेगांव बम ब्लास्ट मामला, आज साध्वी प्रज्ञा सिंह की होनी है कोर्ट में पेशी। कोर्ट में हाजिर न होने पर जारी हो सकता है नॉन अवेलेबल वारंट। के कविता को दिल्ली के कोर्ट से लगा झटका। राहुल रेवेन्यू कोर्ट ने 7 मई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई थी गिरफ्तारी। भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव को फिर से लगा सुप्रीम कोर्ट से झटका। माफीनामा नहीं हुआ स्वीकार। कोर्ट ने पूछा कि आपके विज्ञापनों जितनी बड़ी है आपकी माफी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।